अली गौहर साहब मुझे ये बताइएगा, ये वजीर आजम हाउस से कभी साइफर का डॉक्यूमेंट गायब हो जाता है, कभी ऑडियो लीक्स आ जाती हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो रहा है और कौन कर रहा है। जो गुम हुआ है उसका तो इमरान अहमद नियाजी साहब खुद अपने इंटरव्यू में अनाउंस कर चुके हैं कि वो जो है वो उनसे गुम हो गया, कि वो एक झूठ का पलंदा था और उसमें जो ऑडियो लीक आई है उसमें तो वो टोटली एक्सपोज हो चुके हैं। अली गौहर साहब मुझे ये बताइएगा, ये वजीर आजम हाउस से कभी साइफर का डॉक्यूमेंट गायब हो जाता है, कभी ऑडियो लीक्स आ जाती हैं, मतलब है कि इतनी इम्पोर्टेंट जगह जहां पर इतनी इम्पोर्टेंट मतलब ऐवान है, वो एक उसका एक तकद्दस है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो रहा है और कौन कर रहा है और ये कैसे मुमकिन भी कैसे है कि वहां से चीजें गुम रही हैं। एक तो जैस्मिन आपकी आवाज बड़ी स्लो आ रही थी और जिस वक्त खुर्रा साहब ने बात की है उस वक्त उनकी आवाज बिल्कुल मुझे नहीं आई कि उन्होंने क्या बात की है। दूसरा गुजारिश यह है कि वही जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जो गुम हुआ है उसका तो इमरान अहमद नियाजी साहब खुद अपने इंटरव्यू में अनाउंस कर चुके हैं कि वो जो है वो उनसे वो मतलब है कि वो गुम हो गए, एक्चुअली तो वो खुद उन्होंने बोल की है कि वो एक झूठ का पलंदा था और उसमें जो ऑडियो लीक आई है उसमें तो वो टोटली एक्सपोज हो चुके हैं और वो उसमें बता चुके हैं कि जिस तरह से वो अपने उससे प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं तो उसमें वो साफ पता चल रहा है कि वो मिनट्स चेंज करने की बात कर रहे हैं और ये सारा कुछ, मतलब कि ये तो पाकिस्तान की मुल्की सलामती के साथ इससे बड़ा खिलवाड़ और क्या हो सकता है कि आपने पाकिस्तान के जो खारजी ताल्लुकात थे, जो मतलब है कि जो रिलेशन थे वो तमाम मतलब है कि ममालिक के साथ आपने मोस्ट ममालिक के साथ आपने खराब कर दिए, फिर आपने एक मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए ये मौका इख्तियार किया कि ये आपके खिलाफ ना एक साजिश हुई थी और वो साजिश उस वक्त एक्सपोज होगी जब आपकी ऑडियो लीक सामने आई है कि ये साजिश नहीं थी, एक्चुअली तो साजिश करने वाले खुद इमरान अहमद नियाजी साहब थे जिन्होंने ये झूठी स्टोरी बनाई और वो घड़ी एक तरफ ये कहते हैं कि साजिश हो गई, जब पहले इन्होंने हमेशा गालियां दी फिर रात की तारीखी में जाकर जो है वो उनके एम्बेसिडर से मुलाकातें भी की जाती हैं खुफिया रास्तों, मतलब है कि वो रास्तों के जरिए मुलाकातें की जाती हैं और उनकी जनाब उधर उनके पांव भी पकते जाते हैं, माफियां भी मांगी जाती हैं और लोगों में आवाम में आज आ जाता है कि हमारे साथ जो है वो मतलब अली गौहर साहब एक सेकंड मुझे ये बताएं, आपको कैसे पता चला कि वो खुफिया मुलाकातों में उन्होंने माफियां मांगी और हाथ पांव पकड़े सफीर के? वो भी देखिए बात ये है कि मतलब खुफिया तो बनता है ना, ये तो किसी से छुपी बात नहीं है, वो तो खुद तस्लीम कर चुके हैं, इनके रास्ते जो है वो पूरे मीडिया के ऊपर आ चुके हैं। मुझे ये बताएं कि पिशावर में जो है वो कारपेट्स किसके लिए जाए गए थे, वो गाड़ियां किसके, मतलब ठीक है सर वो बात तो दुरुस्त है, वो बात दुरुस्त है आपकी, ये हाथ पांव जोड़ने वाली बात को छोड़कर चले मुझे ये बताएं कि आज जो काबीना ने फैसला किया है क्या निकालना है अब आपने साइफर से, क्या क्या इस पर क्या आप लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, मतलब क्या इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं? देखें जैस्मीन बात यह है कि ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक मुल्क की को जिस तरह से पहले आपने चार साल के अंदर मुआशी तौर पर डुबोया और फिर जब आप ये तो पूरा मुल्क ही तस्लीम करता था ना और आप ये एक्सपोज हो चुके थे कि ये आरटीएस सिस्टम की पैदावार थे, ये पाकिस्तान के इकतदार के ऊपर बर्जमान हुए थे, ये कोई अवाम का मैंडेट नहीं आए थे और अब इनको इस गैर पूरी हुकूमत को एक जमहूरी तरीके के साथ हटाया गया, हालांकि जिस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हटाई थी तो मार्शल लॉ लगाया गया था, कूक किया गया था, इनको तो एक जमहूरी तरीका के साथ हटाया गया और जब वो तरीका अख्तियार किया गया और खास तौर पर नजर आया तो इन्होंने जनाब वो हर चीज के रेट अली गौहर साहब मुझे फिर भी आपने ये सर ये जवाब नहीं दिया, मुझे आपने ये जवाब नहीं दिया कि इसको इन्वेस्टिगेट करके क्या करना चाहते हैं, मतलब इन्वेस्टिगेट करके सजा देना चाहते हैं, कोई आर्टिकल लगाना चाहते हैं? इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इस ऑडियो लीक की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इस मुल्क के साथ ये खिलवाड़ क्यों किया गया, मुल्क के जो खारजी रिलेशन है हमारे तमाम ममालिक के साथ उनको सोचपाछ क्यों किया गया। आज इनको फंसा दे, बताओ ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला है? ओटू इंसानियां कितने मेगापिक्सल है? 576 मेगापिक्सल। अच्छा,
वो कौन सा जानदार है जिसकी पांच आंखें हैं? मक्खी। किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। छठी के बच्चे आपसे अच्छे हफ्ता शाम 5 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।